फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंग्लिश पोएट और राइटर डेविड हर्बर्ट लॉरेंस की एक नावल के बारे में जिसका नाम है सन्स एंड लवर्स। ये जो नावल थी ये 1913 में लिखी गई थी और उसी साल इसे पब्लिश भी किया गया था। साथ ही फ्रेंड्स, जब ये नावल लिखी गई थी तो मॉडर्निस्ट पीरियड चल रहा था और इस नावल में इस मॉडर्निज़म के कुछ एलिमेंट्स को देखा जा सकता है। साथ ही फ्रेंड्स, ये जो नावल है ये एक माँ बेटे के बीच के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है। एक माँ जो अपने बेटे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और साथ ही ये चाहती है कि उसका बेटा हमेशा उससे जुड़ा रहे, और साथ ही एक ऐसा बेटा जो अपने माँ के प्यार को पाना चाहता है, अपनी माँ से बहुत क्लोज़ है और माँ से ही उसकी जैसे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। तो जो फैमिली और साइकोलॉजी है ये इसकी मेन थीम है, इस नावल की मेन थीम है। अब साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें राइटर की तो डीएच लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था। उनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1885 में और उनकी डेथ हुई थी 2 मार्च 1930 में। वो एक इंग्लिश राइटर और पोइट थे और उनके वर्क्स में सेक्सुअलिटी, इमोशनल हेल्थ, वाइटैलिटी, इंस्टिंक्ट, इस तरह के थीम्स हुआ करते थे। साथ ही उनकी फेमस वर्क्स में सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव, स्नेक, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस नावल को समझते हैं। फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत होती है गर्ट्रूड कॉपार्ड से, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट यंग वुमेन हैं। ये एक कंट्री डांस में जाती हैं और वहाँ इनकी मुलाकात होती है मिस्टर मॉरल से, जिनका पूरा नाम है मिस्टर वॉल्टर मॉरल। अब यहाँ ये जो गर्ट्रूड है, इनकी और मिस्टर मॉरल के बीच में अट्रैक्शन होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और कुछ ही महीनों में इनकी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद जल्द ही मिसेस मॉरल जो हैं, ये जो मिसेस गर्ट्रूड मिसेस मॉरल हैं, ये प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। अब इनकी शादी जो हुई थी वो एक अट्रैक्शन पे हुई थी, इनके बीच में प्यार नहीं था, दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड थे और इसलिए उन्होंने शादी की थी। तो कुछ महीने बाद इनकी ये जो शादी थी ये धीरे धीरे कह सकते हैं स्लो होने लगी, इनका अट्रैक्शन ख़त्म हो गया और दोनों को एक दूसरे में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद ये जो मिसेस गर्ट्रूड हैं ये अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना चाहती थी और इसलिए ये मिस्टर मॉरल के साथ ही रहती थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, उन्होंने ये भी देखा कि ये जो मिस्टर वॉल्टर हैं, मिस्टर मॉरल हैं, ये एक माइनर हैं, यानी कि एक खान में, कोयले की खान में काम करते हैं और इसलिए ये कोई बहुत वेल्दी नहीं है। साथ ही जिस घर में वो रहते हैं वो भी उनका अपना नहीं है, उन्हें रेंट देना होता है और जो उनकी आसपास की सोसाइटी है उनसे भी उनकी अच्छी नहीं बनती। तो एक तरह से कह सकते हैं ये जो मिसेस मॉरल हैं ये अपनी लाइफ से बहुत दुखी हैं, लेकिन अपने होने वाले बच्चे के लिए ये सब कुछ सैक्रिफाइस कर रही हैं। अब मिसेस मॉरल को एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है विलियम, और ये जो मिसेस मॉरल हैं ये अपने बेटे से बड़ा प्यार करती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि अपने बेटे के लिए ही सब कुछ ये सह रही हैं। इनके और मिस्टर मॉरल के बीच में सिर्फ फ्रेंडली रिलेशनशिप है, कोई लव नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। और अब धीरे धीरे ये जो मिस्टर मॉरल हैं ये घर भी नहीं आते, बल्कि अपने दोस्तों के साथ शराब पीने जाते हैं और उन्हीं के साथ इंजॉय करते हैं। अब इस बीच मिसेस मॉरल को एक बार बच्चा दोबारा से होता है जिसका नाम रखा जाता है एनी, और वह फिर से एक बार प्रेग्नेंट हो जाती हैं अपनी थर्ड चाइल्ड लेके। लेकिन वो नहीं चाहती हैं कि उनका ये बच्चा पैदा हो। इसका रीज़न ये है कि मिस्टर मॉरल जो हैं वो एक माइनर हैं, ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, तो तीन बच्चों को अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होगा और इसलिए वो नहीं चाहती कि वो इस बच्चे को जन्म दें। लेकिन फिर भी हमेशा की तरह वो अपने बाकी बच्चों से चूँकि बहुत प्यार करती हैं तो सोचती हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब बहुत जल्द ही मिसेस मॉरल को उनका ये तीसरा बच्चा भी होता है जो कि एक लड़का होता है और इसका नाम वो पॉल रखती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो नहीं चाहती थी कि उनका ये बच्चा जन्म ले, वो इसे जन्म नहीं देना चाहती थी और इस बात का उन्हें बहुत दुख होता है। लेकिन साथ ही वो ये भी डिसाइड करती हैं कि इसके बाद अब वो और बच्चे पैदा नहीं करेंगी, ये जो पॉल है ये उनका आखिरी बच्चा है।
अब हमें बताया जाता है इनके इन दोनों बेटों के बारे में। ये जो विलियम है ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत चार्मिंग है, हैंडसम है, जबकि जो पॉल है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और बहुत थॉटफुल है, हमेशा सोचता रहता है। अब विलियम चूंकि बड़ा हो चुका है तो उसे एक बहुत ही अच्छी नौकरी लगती है, और चूंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा क्लोज था तो वो जब नौकरी करने बाहर दूसरे शहर जाता है, लंदन जाता है, तो उसकी माँ को बड़ा दुख होता है, टेंशन होता है कि मेरा बेटा मुझे छोड़ कर जा रहा है। मिस्टर मॉरल बहुत खुश हैं कि उनका बेटा आगे बढ़ रहा है, लेकिन मिसेस मॉरल बड़ी परेशान हैं। साथ ही ये जो विलियम जब तक अपनी माँ के साथ रहता था तो उनके बहुत क्लोज़ था, लेकिन अब लंदन जाने के बाद उसकी एक फियांसे बन चुकी है और वो अपनी लाइफ अपनी फियांसे के साथ जीता है। लेकिन ये जो मिसेस मॉरल हैं वो उसकी फियांसे लुइजा को पसंद नहीं करती हैं। साथ ही वो ये भी देखती हैं कि विलियम जो है बहुत ही बुरी तरीके से अपने फियांसे से बात करता है, और ये देखकर उन्हें बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब साथ ही ये सारी चीज़ें चल ही रही होती हैं कि ये जो विलियम है उसे निमोनिया की बीमारी हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब चूंकि ये जो विलियम था ये अपनी माँ के बहुत क्लोज था, तो उसके डेथ से मिसेस मॉरल जो है वो बड़ी परेशान हो जाती हैं, हार्ट ब्रोकन हो जाती हैं और उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ने लगती है। उधर हमें बताया जाता है पॉल के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट मैन है और एक क्लर्क की नौकरी करता है। अब क्लर्क की नौकरी करता है तो बहुत लंबा समय उसे काम करना पड़ता है और धीरे धीरे उसकी भी जो तबीयत है वो ख़राब होती जा रही है। तो इसी बीच उसकी तबीयत भी बिगड़ती है और उसे भी निमोनिया हो जाता है। अब ये जो मिसेस मॉरल थी ये तो अपने बड़े बेटे के मरने के दुख में ही खोई हुई थी और छोटे बेटे पर इनका कोई ध्यान नहीं था। तो जब ये देखती हैं कि इनका छोटा बेटा भी बिल्कुल वैसे ही उसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, तब इन्हें ध्यान आता है कि किस तरह इन्होंने अपने छोटे बेटे पर ध्यान नहीं दिया, पॉल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और इन्हें बड़ा बुरा लगता है। ये तुरंत ही पॉल के पास जाती हैं और उसका ख्याल रखती हैं, उसकी रिकवरी करने में हेल्प करती हैं, और साथ ही ये भी कहती हैं कि उनसे मिस्टेक हुई, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, आगे से वो उसका ध्यान रखेंगी। और इस तरह से कह सकते हैं कि पॉल और मिसेस मॉरल इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होता है यहाँ पर इस सिचुएशन के बाद। अब इन सब के बीच में हमें बताया जाता है पॉल के एक फ्रेंड के बारे में। ये जो पॉल है ये एक फार्म पर जाता है और वहाँ पर उसकी एक दोस्ती हुई है मिरियम नाम की एक लड़की से। अब ये जो मिरियम है ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है, इसके अपने बिलीव्स हैं, और ये पॉल से बिल्कुल अलग है क्योंकि पॉल बहुत ज़्यादा थॉटफुल है, बहुत सोचता है हर चीज़ को। अब लेकिन ये जो मिसेस मॉरल हैं इन्हें मिरियम नहीं पसंद है, इन्हें मिरियम का स्वभाव नहीं पसंद है, उसका रिलीजियस होना पसंद नहीं है, और उन्हें लगता है कि ये उनके बेटे के लिए सही नहीं है। तो ये उससे कहती है कि तुम उससे, उस मिरियम से दूर रहो। अब ये जो पॉल है उसके बारे में बताया जा रहा है कि पॉल जो है उसने कभी पहले किसी लड़की को डेट नहीं किया, तो प्यार के मामले में दोनों जो हैं वो इमेच्योर हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे इस बारे में बात करें। दोनों जानते हैं कि वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन ये रिलेशन कैसे आगे बढ़े, कैसे शुरू हो, ये दोनों जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं इस तरह से। उधर मिसेस मॉरल अलग परेशान हो रही हैं, जलस हो रही हैं कि जो समय मेरा बेटा मेरे साथ बिताता था वो अब इस मिरियम के साथ बिताता है। अब इसी बीच यहाँ पर एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की जिसका नाम है क्लारा। ये जो क्लारा है ये एक मैरिड वुमेन है, लेकिन इसका इसके हस्बैंड बैक्स्टर से झगड़ा हो गया है और अब ये दोनों जो हैं ये सेपरेट रहते हैं। इनका डिवोर्स नहीं हुआ है लेकिन ये सेपरेट रहते हैं। साथ ही ये जो क्लारा है ये बोलने में कह सकते हैं बड़ी बदतमीज़ टाइप की है, ये जो मेन है, जो मेल पॉपुलेशन है, उनके बारे में बड़ा बुरा सोचती है। पॉल जो है उसे क्लारा नहीं पसंद क्योंकि क्लारा की सोच बहुत अजीब है, और साथ ही उसे बैक्स्टर भी नहीं पसंद है क्योंकि बैक्स्टर के साथ पहले दिन ही उसका झगड़ा हो जाता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद ये पॉल जो है इसकी और मिरियम की लव स्टोरी चल ही रही है। साथ ही उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो मिरियम से अपने दिल की बात कैसे कहे, और जो मिरियम है वो भी उससे कुछ नहीं कहती, तो कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है।
अब इस बीच में पॉल और मिरियम इन दोनों की जो रिलेशन है वो भी आगे बढ़ती है और वो इंगेजमेंट करते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी ये जो पॉल है वो इस इंगेजमेंट से बोर हो जाता है और इस इंगेजमेंट को ब्रेक कर देता है, इसे तोड़ देता है और इसका एक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है क्लारा के साथ। लेकिन साथ ही ये मिरियम से भी मिलना नहीं छोड़ता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पॉल जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर जब बैक्स्टर को पता चलता है कि पॉल का क्लारा के साथ रिलेशन चल रहा है तो वो पॉल से लड़ने आता है, और लड़ाई के बाद ये जो बैक्स्टर है उसे चोट लग जाती है तो पॉल उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाता है, और कह सकते हैं कि इस झगड़े के बाद इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उधर ये जो मिसेज मॉरल हैं उनकी उम्र भी हो चुकी है और धीरे धीरे उनकी जो तबीयत है वो ख़राब होती जा रही है। कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि ये जो मिसेस मॉरेल हैं उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई है। अब पॉल को जैसे ही पता चलता है कि उसकी माँ मर सकती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और सब कुछ छोड़कर अपनी माँ की हेल्प करने में लग जाता है। वो मिरियम और क्लारा दोनों से ही दोस्ती रखता है, लेकिन उसे लगता है कि अब उसे उन दोनों में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी माँ की मरने की जो न्यूज़ है वो उसे बहुत ही ज़्यादा डरा देती है और उसे अब किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही मिसेस मॉरल जो है उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, वो बहुत तकलीफ़ में है, और अंत में ये तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि पॉल को उन्हें पॉइजन करना पड़ता है, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पेन किलर्स देकर उनकी जान लेनी पड़ती है ताकि वो अपनी सफरिंग से फ्री हो जाएं। उनकी डेथ के बाद उन्हें भी विलियम के बगल में ही दफनाया जाता है, और इसके साथ ही ये जो पॉल है वो अपने घर को छोड़कर वहाँ से दूसरी जगह नॉटिंगहम में शिफ्ट हो जाता है, इसलिए क्योंकि वो अब उस घर में नहीं रह सकता जहाँ उसकी माँ ना हो। मिसेस मॉरेल की डेथ के कुछ समय बाद पॉल जो है वो एक सी साइड ट्रिप पर जाता है बैक्स्टर और क्लारा दोनों के साथ, और वहाँ पर उनकी दोस्ती करवा देता है। ये जो क्लारा है ये बैक्स्टर के साथ अपने रिलेशनशिप को सुधार लेती है और वापस से उनके साथ एक रिलेशन स्टार्ट कर लेती है। उधर पॉल जो है वो अपनी माँ के जाने के बाद थोड़ा सुसाइडल हो चुका है, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ मिरियम आती है और उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन पॉल जो है वो ऐसा करने से मना कर देता है। मिरियम बहुत गुस्सा होती है और उससे कहती है कि वो अब कभी भी उसका चेहरा नहीं देखेगी। उसके जाने के बाद पॉल जो है वो एक कह सकते हैं फील्ड में जाता है और वहाँ बैठकर अपनी माँ को याद करता है और कहता है कि भले ही वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत परेशान है, लेकिन वो खुद को मार नहीं सकता और ये बात वो जानता है। उसे अपनी ये ज़िंदगी जो है वो जीनी पड़ेगी, और इसी के साथ वो उन फील्ड से बाहर निकलता है और टाउन की ओर चला जाता है, और यहीं पर फ्रेंड्स ये नॉवल ख़त्म होती है। फ्रेंड्स एक बात और जानने वाली है कि पहले इस नॉवल का नाम पॉल मॉरेल ही रखा जा रहा था हमारे मेन कैरेक्टर के नाम पर, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर सन्स एंड लवर्स रख दिया गया। तो फ्रेंड्स ये थी डीएच लॉरेंस की नॉवल सन्स एंड लवर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।